सभी प्यारे साथियों को अनुसरका नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोग ठीक हैं? आपकी तैयारी भी भरपूर चल रही होगी। आज हम एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार यूपीपीजीटी में हम लोग सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। यूपीपीजीटी के सिलेबस को हमने अपने ढंग से डिजाइन किया हुआ है, तो आप इसी यूपीपीजीटी के सिलेबस को अगर पढ़ते हैं और पूरी तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। आखिरकार सिलेबस को डिजाइन किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, इस पर भी हमारी पूरी चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे इसमें टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और किन टॉपिक्स पर हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। पीजीटी सिलेबस पर पूरा डिस्कशन इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे कि सिलेबस परफेक्ट आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ आपको जो आने वाला एग्जामिनेशन है 2024 का, ये 2024 का एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाए, इस पर पूरी हमारी चर्चा आपके साथ में बनी रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, पहला टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है वो है मोल कंसेप्ट, यानी कि जो आपने मोल और इक्विवेलेंट कंसेप्ट दिया गया है। तो अधिकतर मैंने इस पर जो क्वेश्चन नोट किया हुआ है वो क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मोल कंसेप्ट और मोलर मासेस से ऑब्जर्व किया गया है, क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से ऑब्जर्व किया गया है, क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट से ऑब्जर्व किया गया, और साथ में लॉ भी अगर कभी पूछा गया तो बीच में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूछा गया है। तो इतने टॉपिक्स को अगर आप ध्यान रखते हो, इतने टॉपिक्स पर अपनी मेजरमेंट रखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 100% यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। तो आप चाहिए, आपको ये जरूर चाहिए आपको कि आप इस बेस पर ही तैयारी परफेक्ट अपनी करें कि ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर करें। तो हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि आखिरकार हमें पीजीटी की तैयारी शुरुआत कैसे करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी परफेक्ट होती रहे और आप इस परफेक्ट तैयारी में शामिल हो जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी बात पर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चले आते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए गए हैं उन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डी ब्रोगली पर इक्वेशन पर क्वेश्चन आए हैं। नोट करिएगा आप लोग भी, कहीं ना कहीं ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल मैं कराऊंगा। आप हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, हम आपको ये सब चीजें अवेलेबल कराएंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लासिकल वेव इक्वेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर आए हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर क्वेश्चन आए हैं। क्वांटम नंबर पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और इसके बाद हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और साथ में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्वेश्चन लाया हुआ है। इन टॉपिक्स पर अगर मैं बात करता हूं तो इन टॉपिक्स पर आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिले हैं एग्जामिनेशन में, यानी कि पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर भी मैं पीजीटी लिखता हुआ चल रहा हूँ। सबसे ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप टॉपिक नोट भी करना चाहते हैं तो आप इन्हें आराम से नोट भी कर सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में केमिकल अगर हम बॉन्डिंग पर चले आते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट पर ऑब्जर्व किए गए हैं, और इसी के साथ साथ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इसी के साथ साथ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के कंसेप्ट पर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और मिलते रहेंगे, आगे भी मिलेंगे 100%। पीरियोडिक टेबल पर चले आइए, यानी कि ये भी पीजीटी का एक बेस्ट प्रिपरेशन आप मान सकते हो। इतने टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा अगर आप पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और साथ में आयनिक रेडियाई पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हुए हैं। यानी अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन जो मैंने टॉपिक अंडरलाइन किए हैं इन पर तो क्वेश्चन बहुत आते हैं और क्वेश्चन इस पर ट्रिकी भी आते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि अरेंजमेंट पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है, अरेंजमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया और अरेंजमेंट ही यहाँ पर पूछे गए हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ एक एक बात आपको वरदान साबित होगी यहाँ पर।
इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में फीड करके रखिए कि अनुसर जो यहाँ पर बता रहे हैं ये वास्तव में सिलेबस बहुत ही कंसेप्चुअल है और बिल्कुल आता है। आ जाइए स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा काइनेटिक थ्योरी, मॉलिकुलर थ्योरी पर से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी अगर मैं देखता हूं तो यहां से लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और यहाँ क्वेश्चन आना ही है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर और वेंडरवॉल भी 100% आती है, 100% आती है, यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। और इसमें से तीन वेलोसिटी तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और एक है आपकी एवरेज वेलोसिटी। इन तीन को तो आप रट के चले जाइए, क्वेश्चन आपको 100% मिलना है। लिक्विड में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर आया है तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मल लिक्विड की प्रॉपर्टीज में विस्कोसिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि विस्कोसिटी पर क्वेश्चन, आप विस्कोसिटी पर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये सब तो नॉर्मल सॉल्यूशन में आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। चलिए आइए सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में अगर मैं बात कर रहा हूं तो सॉलिड स्टेट में यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, जितनी लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं ये क्वेश्चन है। जैसे ब्रैक्स लॉ पर क्वेश्चन जरूर आता है, ब्रैक्स लॉ पर 100% क्वेश्चन आता है। स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है, कोई रोक नहीं पाता है इस पर। और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेवाइस लैटिस कितनी कैटेगरी के थे, उनमें से जो यानी कि टाइप्स में जो आपकी एज लेंथ के साथ साथ बॉन्ड एंगल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिस में से क्वेश्चन निश्चित है। थ्री डायमेंशनल लैटिस का क्वेश्चन कम देखा गया, लेकिन जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ ये जरूर पढ़ करके जाइएगा। इक्विलिब्रियम पर मैंने अपने क्लासेस में भी कहा है कि केपीकेसी पर क्वेश्चन लगभग लगभग आया है, ली चेटेलियर प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चन आता है, कॉमन आयन इफेक्ट पर भी क्वेश्चन आता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट से अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी दोनों में से क्वेश्चन मैंने देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्वेश्चन एसिड बेसिस का परेशान करता है। पीएच वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच पर क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर पर क्वेश्चन है, और यहाँ पर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस पर तो क्वेश्चन डेफिनेटली ही आता है। तो ये टॉपिक्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको आप जरूर नोट डाउन किसी कॉपी पर कर लीजिए और इन पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन पर चल लेते हैं, तो सॉल्यूशन पर जो नोट डाउन किया गया है वो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड राउंड्स लॉ पर क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब राउंड्स लॉ किस कैटेगरी में आएगा ये तो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन पर, लेकिन आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल भी आए हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर पे तो हर साल ही क्वेश्चन चला आता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा गया है, बहुत ज्यादा नहीं देखा गया है। रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चले आइए, रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलरस लॉ 100% आना है, और आपको यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि कोलरस लॉ के साथ साथ में जो फैक्टर्स हैं कंडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाले, उन फैक्टर्स पर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के जो फैक्टर्स हैं उन पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा आपको। और इसी में चलने तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड ईएमएफ ऑफ द सेल और नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो साथियों बिल्कुल मौका नहीं गंवाना है, इस बार आपको बहुत ही अच्छे ट्रेंड से तैयारी करनी है और सही तरीके से करनी है। और केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही सिंपल मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खूब पूछा गया है, तो यहाँ पर आप मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स हैं उन पर ध्यान दे लीजिएगा। और साथ ही साथ यहीं पर एक चीज और, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ एक चीज और, आर्हेनियस की जो इक्वेशन है इस पर क्वेश्चन जरूर आया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स पर चले आइए, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर क्वेश्चन बढ़िया मिल सकता है आपको। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं इन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंट्रोपी पर भी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ और गिब्स फ्री एनर्जी आप थर्मोडायनामिकल सेल के साथ साथ में आपको यहाँ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन
इसकी इक्वेशन तैयार करनी है, और आपको डोहम इक्वेशन भी पढ़ करके जानी है, डोहम इक्वेशन भी पढ़ करके जानी है, और आपको क्लेसियस क्लेप्रियोन इक्वेशन भी यहीं पर पढ़ लेनी है, क्लॉसियस और क्लेप्रियोन इक्वेशन, ठीक है, क्लॉसियस क्लेप्रियोन इक्वेशन भी आपको पढ़ करके चले जाना है। तो इतनी चीजें आप नोट करिए कहीं पर, एक तो हेलमोर्ट्स इक्वेशन, क्लेसियस क्लेप्रियोन और डोहम इक्वेशन बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर, और ये जरूर पढ़ के जाना, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी थोड़ा सा पढ़ करके ही जाइएगा। अगर हम लोग आइसोलेशन की बात करते हैं तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ एल्यूमिनियम कॉपर जिंक के ओर भी पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, और इनके प्रोसेस को भी पूछा गया है, तो आप इनके ओर और प्रोसेसेस को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एस ब्लॉक में चले आइए, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि एस ब्लॉक में ट्रेंड को आप फोकस करिए, ट्रेंड ऑफ वेरिएशन प्रॉपर्टीज को, कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एल्कली मेटल हो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, दोनों में ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और आपका बेसिक नेचर की बात करें, इनके ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करें, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके ऊपर हीटिंग का इफेक्ट जरूर पढ़िएगा, और कैल्शियम के जो कार्बोनेट हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी कार्बोनेट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, सल्फेट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट, और इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी, इनके जो वेरिएशंस हैं वो साथ में जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा किसी कीमत पर नहीं, और इनके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर भी नज़र आपको डालनी है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के, इन पर भी क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप बढ़िया ढंग से इन क्वेश्चन को करके जरूर आए एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ आपको सफलता भी मिले, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से पी ब्लॉक में चले आइए, तो पी ब्लॉक के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ और आपको भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट है कि पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी उठा लीजिए, और एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दिए हैं पुरानी वाली एनसीईआरटी में जहाँ फुल फुल सिलेबस की बात हुई है, वो एनसीईआरटी उठाइए, और आप 100% यहाँ के क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। इससे हटके एनसीईआरटी से हटके इसमें से ज्यादा आता नहीं। फिलहाल नाइट्रोजन कंपाउंड अगर पढ़ना चाहते हैं, 13 to 18 ग्रुप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस तो आप करेंगे ही करेंगे, इसमें अमोनिया और नाइट्रिक एसिड पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, फॉस्फीन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात करते हैं तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, और इससे साथ ही साथ आप इस बात को भी नोटिस करिए कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आपको जरूर पढ़ने हैं, और आपको हेलोजन एसिड जरूर पढ़ने हैं, उसके बाद सीडो हैलाइड पर भी विशेष ध्यान देना है, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हेलोजन और उनके स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन खूब आता है, नोट करिए, और जेनॉन के कंपाउंड से भी आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी ताकत से आप इस पर जोर लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, डी ब्लॉक में चले आते हैं। डी और एफ ब्लॉक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो डी और एफ ब्लॉक में एक तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज पर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन लगभग और लगभग मिला हुआ रखा मान के चलिएगा, 100% आता है, और इसी के साथ साथ KNO4 और K2Cr27 की ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वेरिएशन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज हैं, एसिडिक मीडियम में जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो वो सब लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड्स पर भी आप एक लाइट व्यू पढ़ लीजिएगा, लेकिन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कौन जो आपका कंक्लूजन है या फिर ऐसे बोले कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको आप जरूर पढ़ लें, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आप यहाँ से जरूर चले जाइएगा कि एक तो आइसोमेरिज्म आप फोकस कर लीजिएगा, उसके बाद कलर भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इतना काम आपको जरूर करना है, वर्नर्स थ्योरी पर भी फोकस करना, और लिगेंड्स के एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं, इतना काम आपको कोऑर्डिनेशन में कर लेना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जरूर पढ़िएगा, और इसके साथ साथ आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइब्रिडाइजेशन आप ऑलरेडी पहले ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए होंगे, आईयूपीएसी नेम एक आता ही आता है, निश्चित तौर पर आता है, इसी के साथ होमोलिटिक और हेटरोलिटिक फिजन को आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे, कहीं भी कहीं से कहीं तक इन पर आप जो है
गुंजाइश मत करिए, इस पूरे टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा ये कवरेज में लेकर के जाएगा। आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन आना है तय है बिल्कुल। बेयर स्ट्रेन थ्योरी पर भी आप फोकस कर लीजिएगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस में यहाँ पर ई और जेड सिस्टम, ईजेड सिस्टम और आरएस सिस्टम पर भी क्वेश्चन लगभग और लगभग तय हो गया है, तो आप इसको भी ध्यान दे करके पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो मैकेनिज्म में आप इस पूरे टॉपिक पर गंभीरता से ध्यान दें, यहाँ पर मैं आपको छूट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होगी ये डिपेंड करेगा कि भाई पेपर कितना लेवल का बन रहा है। तो इस पर तो आप पूरी तरीके से फोकस करिए, यहाँ कोई समझौता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन पर चल लेते हैं तो मैं तो कहूँगा इसमें केवल मेथड्स पर कौन से कंपाउंड को किसकी मदद से और कौन से प्रोसेस से हम लोग प्योरीफाई करते हैं वो ध्यान रखिए। वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के कुछ एक आधे एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन्स पर चले आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। तो एल्केन्स में चले हैं तो एल्केन्स में हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑलरेडी ऊपर आइसोमेरिज्म पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहाँ पर न्यूमैन और सोहर्स फार्मूले भी ध्यान दीजिएगा एल्केन के अंदर, बाकी कॉमनली प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी पढ़नी है। साइक्लो एल्केन में बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो मैंने आपको ऊपर बताई वो यहाँ भी ध्यान रखनी है। चेयर और बोट फॉर्म के एग्जाम्पल भी आपको याद कर लेना, छोड़ना नहीं है। एल्कीन में चले आइए तो एल्कीन में आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल, मार्कोनिकॉफ का रूल है, सेवेटेस एंडरसन रिएक्शन है, सेटजेफ रूल है, इन पर विशेष तौर से ध्यान दे करके आगे बढ़िएगा आप लोग। और इसी तरीके से अगर हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन पर पे हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी में भी खूब पूछा जाता है और यहाँ कॉन्जुगेटेड डाइन में 1,4 और 1,2 एडिशन पर आप जरूर फोकस कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाता है। एल्काइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो एल्काइंस में आप चले आइए तो यहाँ एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन पर फोकस करिए, बाकी तो एल्काइन आप जनरली पढ़ते ही पढ़ते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अगर चलते हैं तो यहाँ हकल्स रूल को और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर आप पूरी तरीके से गौर फरमाएंगे। हेलो एल्केन हेलोएरीन में SN1 SN2 पर क्वेश्चन है, सेटजेफ रूल और E1 E2 मैकेनिज्म पर भी आपको फोकस कर लेना है, यहाँ छोड़ना नहीं है। और साथ ही साथ इनकी कुछ एग्जांपल्स जो है रिएक्शन उनको भी कंप्लीशन के तौर पर आप नेम रिएक्शन जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और फिटिग रिएक्शन है, वुड्स फिटिग रिएक्शन है, इनको नेम रिएक्शन को भी जरा यहाँ पर आप ध्यान देंगे। यानी कि इस पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नेम और रिएक्शन पर आप फोकस जरूर करिएगा हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से। एल्कोहल फिनॉल ईथर पर चले आइए तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग फिनॉल्स और एल्कोहल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज और ईथर की प्रॉपर्टीज केमिकल उनको तो पढ़ ही लेना है और साथ ही साथ इनके डिस्टिंग्विश टेनिक टेस्ट वाली प्रॉपर्टीज को भी जरूर अच्छे से याद रखना है, उन्हें छोड़ना नहीं। एल्डिहाइड कीटोन्स पर चले आइए तो एल्डिहाइड कीटोन में भी वही है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पर तो आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, साथ ही साथ इनकी जो अंदर जो नेम रिएक्शंस हैं उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, नेम रिएक्शंस को 100% पढ़ लेना है और आगे बढ़ लेना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैकेनिज्म का रोल भी बहुत रहेगा इन दोनों चैप्टर्स में, तीनों चैप्टर्स में मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म आप जरूर पढ़िएगा। नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म मैंने बहुत सारी डिस्कशन भी की है, वो रिएक्शंस यहाँ पर भी मैकेनिज्म पर आप फोकस जरूर करिएगा, छोड़ना नहीं है ये चीजें। चाहते हो ना पीपीपीजीटी निकालना तो फिर आप चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर लेते, यहाँ पर आपको बेस्ट जितने भी ओल्ड वीडियोज हैं देखिए, सिलेक्शन हुए लोगों के, भाई आप इधर उधर भटक रहे हैं कहीं ये कोचिंग में कहीं वो कोचिंग में, अरे आप यहाँ रहिए सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। यहाँ देखिए एमीन्स में चले आइए तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज एमीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि टेस्ट की मैं बात करूँ, टेस्ट में और केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर ध्यान दीजिएगा और साथ में मैकेनिज्म पर भी फोकस आपका रहना चाहिए, किस पर, मैकेनिज्म पर फोकस रहना चाहिए। पॉलीमर्स में चले आइए तो पॉलीमर्स में क्या होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जैसे PHBB का एग्जांपल आपको ध्यान देना है, बल्कनाइजेशन पर आपको फोकस करना है, नेचुरल रबर तो आप लगभग और लगभग इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इस पर मैं स्टार भी बनाए दे रहा हूँ, बहुत एग्जाम में पूछी गई है और पिछले एग्जामिनेशन में आई भी है। यहाँ पर हावर्थ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हावर्थ फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तो ये चीज, उसके बाद आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर जितने भी है पढ़ लेने हैं, छोड़ने नहीं। म्यूटा रोटेशन पर क्वेश्चन आया हुआ है ना, म्यूटा रोटेशन पर और
तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। इसका अल्फा और बीटा फॉर्म, अगर हम आपको कहें तो अल्फा बीटा डी ग्लूकोज की दोनों फॉर्म आपको पढ़ लेनी, अल्फा और बीटा फॉर्म्स आपको जरूर, एल डी और एल फॉर्म भी कह सकते हो, वो भी पढ़ लेनी है, यानी अल्फा बीटा के साथ में डी और एल पढ़नी है, और साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर पढ़ लेने हैं अमाइलो पैक्टिन के, पढ़ लेने हैं पॉलीसेक्राइड में, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस वो भी पढ़ लेना है। प्रोटीन पे चले आओ तो ज़ेटरायन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा आपको, हेलिक्स और प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान से पढ़ लेना पड़ेगा, इन पर आपको कोई समझौता नहीं करना है मेरे हिसाब से। न्यूक्लिक एसिड में चले आए तो आरएनए डीएनए पर आप बेसिक हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ जेनेटिक कोड, जेनेटिक एरर और स्टीरॉयड हार्मोन पर एक रनिंग पढ़ लेनी, लेकिन विटामिन को थोड़ा सा गौर से पढ़ लेना, विटामिन पर ज्यादा फोकस कर लेना है। इन्हीं चीजों के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एग्जाम्पल्स और नेम पूरे पढ़ने हैं, यहाँ से जरूर आपको दो तीन क्वेश्चन मिलना है। पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर आपको फुल डिटेल पढ़नी चाहिए, फुल डिटेल, यहाँ पर मैं आपको समझौता नहीं करवाऊंगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी रनिंग में पढ़िए, दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं, एक क्वेश्चन एनएमआर से जरूर आएगा, एक आईआर से जरूर आना है, और यहाँ पर एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और नेफ्थलीन पर भी एक एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर मैं आपको समझौता नहीं करूँगा और बताऊँगा कि आप यूपीपीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक तो केमिकल टेस्ट और उनकी प्रॉपर्टीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 6 मेंबर्ड हो और चाहे वो 5 मेंबर्ड रिंग ही क्यों ना हो, इन पर आप जरूर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में चले आते हैं तो यहाँ पर दवाइयों के नाम, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, इन पर आप जरूर फोकस करें, छोड़ें बिल्कुल भी नहीं। सफोनिफिकेशन को आप नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पर, क्लींसिंग एक्शन आप सोप नहीं छोड़ेंगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ एंजाइम्स और ड्रग एक्ट टारगेट एक्शन भी एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। यहाँ पर डाइज में आपको कोई भी एक एग्जाम्पल, चाहे एलिजरन का, एंथ्राक्विनोन, कोई ना कोई आता है, तो आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर ज़्यादा टारगेट करें, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स लिखे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स मेन पढ़िएगा कि कौन मॉडेंट में है और कौन आपका इंडिगो में है, कौन आपका जो है वो बैड डाई में आता है, इस तरीके के एग्जांपल। फोटोकेमिस्ट्री को पूरा ध्यान से पढ़ लें क्योंकि इससे क्वांटम यील्ड भी आ सकता है, और रिएजेंट और सिंथेटिक इंपॉर्टेंस पर भी मैंने लगातार क्लासेस ली हैं, इनको पढ़िएगा, और इन एंजाइम और उनके एप्लीकेशंस पर, मेटल कौन से मेटल का क्या रोल है इसको ध्यान देना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक बार रनिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इस पर आपको फोकस जो करना है वो एक तो केमिकल और फोटोकेमिकल स्मोक पर करना है, और साथ ही साथ ओजोन लेयर डिप्लीशन पर करना है, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बस इतना पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ने के बाद आप अगर चाहते हैं पीजीटी में सेलेक्ट होना तो हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज के लिए हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा मोबाइल का यही है। आप चाहते हैं कि अपने आपको पीजीटी में परफेक्ट करना तो फिर आप यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए उतर जाइए मैदान में, मौका दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न से पेपर आएगा, न्यू पैटर्न का पेपर टफ हो सकता है, न्यू पैटर्न के पेपर में बहुत सारे चैप्टर्स हटाए जा सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐड किए जा सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही है। तो अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ना तो फिर आ जाइए हमारे ऐप पर, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर, और ये जो मैंने सिलेबस बताया है ना इसको आप परफेक्ट ढंग से बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, मैं आपको लगातार क्रमबद्ध तरीके से बताता रहूंगा। अब हम लोग इस पर कैसे तैयारी करेंगे, मैंने आज सिलेबस बता दिया है, और इस पर क्या हमारा प्लान होगा कि कौन से टॉपिक पहले डिस्कशन करेंगे, कौन से बाद में डिस्कशन करेंगे, इन पर आपके भी व्यूज चाहिए, आप भी अपना व्यूज रखिए कि सर कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको आसान लगते हो तो जब बताइएगा, हम आपको वो बाद में करा देंगे, टफ पहले करा देंगे, लेकिन कराएंगे, एक एक टॉपिक आपके साथ में डिस्कशन करेंगे, तो तैयारी अब हमारी जीत की होगी, विजय आपकी निश्चित है। थैंक यू।